एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो वहां अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। इन जनाब का मिजाज ही कुछ निराला था। वो सुबह उठते, कुएं पर जाकर नहाते और वापस घर आकर खाना खाकर फिर सो जाते। ब्राह्मण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें तरह तरह के फल और सब्जियां उगाई जाती थी। बस ब्राह्मण की एक बुरी आदत थी कि वो बहुत आलसी था। ब्राह्मण के घर वाले इसी बात से बहुत दुखी थे कि वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। ये क्या, आप फिर से सो गए? उठिए, खेत नहीं जाना है क्या? सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। पत्नी के इतना उठाने के बाद भी ब्राह्मण पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी एक आंख खोली, वो मुस्कुराया और फिर सो गया। ओहो, इन्हें उठाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं ही एक बार खेत में जाकर देखाती हूँ कि सब कुछ ठीक तो है ना। बच्चों के खेलने की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उनके साथ खेलने लगा। दूसरी तरफ पत्नी खेत से जब घर वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में एक साधु मिले और वो उन्हें भोजन करवाने के लिए अपने साथ घर चलने को कहती है। साधु महाराज, आप? बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, भगवान की कृपा तुम पर यूं ही बनी रहे। चलो। ब्राह्मण की पत्नी साधु महाराज को लेकर घर पहुंचती है और वो देखती है कि अच्छा हुआ ये उठ तो गए। देखिए तो, साधु महाराज आए हैं। साधु महाराज को देखकर ब्राह्मण जल्दी से उनका स्वागत करने बाहर आता है और फिर दोनों मिलकर साधु महाराज की खूब सेवा करते हैं। वो उन्हें भोजन करवाते हैं। भोजन के बाद ब्राह्मण साधु के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाता है और साधु महाराज उनकी सेवा भावना देखकर खुश हो जाते हैं और ब्राह्मण से एक इच्छा मांगने को कहते हैं। बोल बेटा, तेरी क्या इच्छा है? मैं तेरी वो इच्छा जरूर पूरी करूँगा। साधु महाराज, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे कोई काम खुद न करना पड़े, कोई हो जो मेरे सारे काम कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, पर याद रखना, उसे हमेशा काम में व्यस्त रखना, वो खाली ना बैठे। जो आज्ञा महाराज, मैं याद रखूंगा। इतना कहकर साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वहाँ एक बड़ा सा राक्षस ब्राह्मण के सामने आ गया। मालिक, मैं आपका गुलाम, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तुम ऐसा करो, जाकर खेतों में पानी दे आओ। इतना सुनते ही राक्षस वहाँ से गायब और ब्राह्मण निश्चिंत हो गया कि अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर में राक्षस वापस आ गया। मालिक, आपने जो काम कहा था वो पूरा हो गया। अब बताइए मैं क्या काम करूं? क्या, इतने बड़े खेत में तुम पानी इतनी जल्दी डाला है? अब मैं तुम्हें क्या काम दे दूं? बताइए मालिक, मैं क्या करूं? नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। राक्षस की ये बात सुनकर ब्राह्मण घबरा गया और उसने जल्दी से एक और काम बोला। जाओ, अब जल्दी जाकर खेत जोताओ। जी मालिक, मैं अभी ये काम खत्म करके आता हूँ। जाने के बाद ब्राह्मण ने चैन की सांस ली और उसने सोचा, चलो खेत जोतने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक मैं आराम से भोजन कर लेता हूँ। उसके बाद
ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भोजन करने बैठ गया और इतने में वो राक्षस फिर वापस आ गया। अरे, तुम फिर से आ गए? तुम्हारा काम इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? जी मालिक, अब बताइए मैं और क्या काम करूं? अरे काम काम काम, क्या काम दूं मैं तुम्हें? ऐसा करो, मेरे सिर पर बैठकर तबला बजाओ। ब्राह्मण के इतना कहते ही राक्षस शुरू हो गया। ब्राह्मण के सिर पर तबला बजाने लगा। अरे ये पागल है क्या? कोई रोको इसे, ये तो मेरा सर ही फोड़ डालेगा। अब मैं क्या करूँ, इसे क्या काम दूँ और अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ? अगर आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो मैं इसे काम दे सकती हूँ, पर उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ जल्दी बोलो, कैसा वादा? मेरा सर फटा जा रहा है। आज के बाद आप सारे काम खुद करेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, अब जल्दी से इससे पीछा छुड़ाओ। सुनो, एक काम करो, तबला बजाना छोड़ो और जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ जो टेढ़ी हो गई है उसे सीधा कर दो। जो आज्ञा मालकिन, मैं अभी कर देता हूँ। पति की ऐसी हालत देखकर पत्नी खूब जोर से हंसने लगी। देखा, मैं कहती थी ना कि आपका ये आलस एक दिन आप ही पर भारी पड़ेगा, अब देख लिया ना खुद आपने। हाँ हाँ, मिल गया सबक मुझे, पर वो मोती की पूंछ सीधी करके वापस आता ही होगा, फिर मैं क्या करूँगा? आप भी कैसी बात कर रहे हैं, कुत्ते की पूंछ भी कभी सीधी होती है भला? अब देखना, वो मोती की पूंछ सीधी करने में ही लगा रहेगा और ये काम कभी पूरा नहीं होगा। आज तो तुमने मुझे बचा ही लिया, अब से मैं अपना काम खुद ही करूंगा, किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो बच्चों? कुछ नहीं, वो ब्राह्मण का जो हाल हुआ ना, उसे देखकर। हाँ, तो अब पता चला कि अपना काम खुद ना करने का क्या अंजाम होता है। तो बोलो, अब से अपना होमवर्क खुद पूरा करोगे, कभी ये तो नहीं सोचोगे कि काश हमारा काम भी कोई जादू से आकर पूरा कर जाए। हम्म, नहीं। Ha 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 ha